हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बेडशीट जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बिल्कुल रॉयल लुक देती है। इसको हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे यानी कि बहुत ही कम खर्च में बनाने वाले हैं। बेसिकली जब भी हम मार्केट जाते हैं तो अगर हमें बेडशीट लेनी है तो वो करीब हमें 400-500 इससे ज्यादा की ही मिलती है। अगर आप पिल्लो कवर यानी कि तकिया कवर के साथ अगर आप कोई बेडशीट खरीदते हैं तो वो आपको और भी ज्यादा महंगी पड़ती है। इस बेडशीट को बनाने के लिए देखिए मैंने यूज किया है यहाँ पर ये वेलवेट का फैब्रिक जिसे हम शनील का कपड़ा भी कहते हैं। तो ये मैंने लिया है 2 मीटर का और इसका कंट्रास्ट करते हुए मैंने मेहरून कलर का भी कपड़ा लिया है। ये मैंने लिया है 1 मीटर, ये मुझे मिला है 100 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पर मैंने 3 मीटर का फैब्रिक लिया है जो कि सिर्फ 300 का मुझे पड़ा है। और ये मैंने लिया है लाजपत नगर मार्केट से, आई थिंक जो शॉप का नाम है वो रामजी सन्स करके है। वेलवेट का कपड़ा सर्दियों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि ये हमें थोड़ा सा वार्म भी रखता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा तो आप उसको भी जरूर हिट कर दें। तो अब ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा मेन फैब्रिक है हम इसको पूरे बेड पे बिछा कर देख लेंगे कि ये अच्छे से आ रहा है पूरे बेड पे या नहीं, क्योंकि बहुत सारे वेलवेट्स होते हैं जिनकी अर्थ कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो उसको आपको अपने बेड के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से कट करके तब इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको बिछा कर देखते हैं। इस साइड से बिल्कुल हमने यहाँ से इसको बराबर रखा है। इसके नीचे हमने अपनी नॉर्मल जो हमारी बेडशीट होती है पहले उसको बिछा लिया है, और इसके बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने अपनी ऊपर वाले फैब्रिक को बिल्कुल इस तरह से बिछाया है। बट देखिए यहाँ से जो हमारा फैब्रिक है वो करीब इतना ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको भी हम बिल्कुल अपने अपोजिट वाले साइड के बराबर रखते हुए ही कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए आगे से भी हमारा ये फैब्रिक इस साइड से भी बड़ा है, तो इसको भी बिल्कुल आपको चारों साइड्स को बिल्कुल बराबर रखते हुए कट करना है। एक साइड से देखिए हमने बिल्कुल इसको अच्छे से कट कर लिया है, अब ऐसे ही हम अपने इस वाले साइड से भी कट करेंगे। देखिए ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा कट हो गया है। अब तीनों साइड से हमने बिल्कुल अच्छे से बेडशीट की कटिंग कर ली है। और अगर आप डबल बेड के लिए बेडशीट बनाना चाहते हैं तो इसी में का जो फैब्रिक होता है वो डबल अर्थ का भी आता है, तो आपको वो वाला फैब्रिक लेना है। और अगर आपको कहीं भी डबल अर्थ का फैब्रिक नहीं मिल रहा है तो आप इसी फैब्रिक में बीच में जोड़ लगाकर भी अपने बेड के अकॉर्डिंग बेडशीट की कटिंग कर सकते हैं। और वेलवेट के फैब्रिक में जोड़ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तीनों साइड से देखिए हमने अच्छे से कटिंग कर ली है। अब ये जो हमने मैचिंग का फैब्रिक लिया था हम ये ले लेंगे और इससे हम अपने तीनों साइड्स पर फ्रिल लगाएंगे जिससे कि बेडशीट और भी ज्यादा रॉयल लगेगी। तो इसको केवल बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए हमें कट कर लेना है। मैचिंग फैब्रिक के देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रेट स्ट्रिप्स कट कर ली है, और इसकी जो लंबाई है वो देखिए करीब एक स्ट्रिप की लंबाई हमने 5.5 इंच रखी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग और लंबा भी कर सकते हैं या आप इसे अपने अकॉर्डिंग छोटा भी कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई पूरी हमने पूरा जितना भी हमारा फैब्रिक होता है पूरी की चौड़ाई ले ली है, और यहाँ पर हमने इसकी 6 स्ट्रिप्स कट की है कपड़े की। अब इसको हम अपने बेडशीट के किनारों पर लगाएंगे और यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए हम इसको अच्छे से लगाएंगे पूरे में। सबसे पहले अब हम ये स्ट्रिप्स ले लेंगे और इनको हम पहले आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए ये मैंने 2 स्ट्रिप्स ले ली हैं और इसको सबसे पहले हम दोनों हमारे सीधे साइड्स ऊपर की तरफ रहेंगे, तो आपको पहले इस तरह से रखते हुए यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। ये सिलाई देखिए बिल्कुल आपको किनारे पर लगानी है। अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे। अब इसकी उल्टी वाली साइड देखिए यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने पट्टी को बिल्कुल अच्छे से जोड़ लिया है और यहाँ से हमारा जो जोड़ रहेगा वो भी नजर नहीं आएगा। अब ऐसे ही हम अपनी सारी पट्टियों को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने अपनी सारी स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ लिया है। अब इसको हम चादर के साथ लगाएंगे। तो ये देखिए हमने ये चादर ले ली है और इसके इस वाले साइड की तरफ से हम फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रिल हम ये कंट्रास्ट कलर के कपड़े से लगाएंगे, और ये हमारा वेलवेट का फैब्रिक है तो देखिए इसमें रेशे वगैरह कुछ नहीं निकलते, तो आपको इसे इस तरह से फोल्ड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्टली लगाएंगे। तो देखिए एक कोने से आपको इस तरह से इस स्ट्रिप को रखना है जो भी हमने कट की है, और यहाँ पर सब आपको छोटे छोटे प्लेट्स देते हुए पूरे में ये फ्रिल को लगा लेना है। कुछ दूर पे देखिए हम ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे,
और उसके बाद हमें ऐसे छोटी छोटी प्लीट देनी है थोड़ी थोड़ी दूर पे, ज्यादा गहरी प्लीट आपको नहीं देनी है। इस फ्रिल को देखिए, आपको चादर के ऊपर कैसे रखना है। ये फ्रिल की सीधी वाली साइड है और ये हमारी चादर की सीधी वाली साइड है, तो दोनों सीधी साइड्स अंदर की तरफ रहेंगी और ऐसे यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए चले। तो देखिए, अब हम यहाँ पर कोने वाली साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको सीधी स्ट्रेट ऐसे ही सिलाई लगाते हुए आना है और कोने से करीब आधा इंच पहले ही आपको सिलाई रोक देनी है और सुई आपको अंदर की साइड पर ही रखनी है। और देखिए, फ्रिल को और चादर को आपको अपोजिट साइड की तरफ घुमाना है और अब ऐसे ही पूरे में फ्रिल बनाते हुए पूरा कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये चादर। और ये जो फ्रिल है हमने इसके तीनों साइड्स पे लगाई है, केवल एक साइड की तरफ से ये गद्दे में अच्छे से फिट हो जाती है चादर, तो आपको केवल इसको तीन साइड पे ही लगाना है। और ये फ्रिल लगाने के लिए हमने केवल 1 मीटर का कपड़ा यूज किया है। तो क्या आपको भी यहाँ पर कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है? हाँ, अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पर पिल्लो कवर्स। तो आइए पिल्लो कवर्स बनाना सीखते हैं। तकिया कवर बनाने के लिए देखिए, मैंने ये आधा मीटर का एक कपड़ा ले लिया है। इसको हम पहले इस तरह से मिलाकर फोल्ड करके रख लेंगे। अब हम एक ये तकिया कवर ले लेंगे और इसके ऊपर देखिए, आपको इस तरह से इसको रखना है। अब देखिए, चारों साइड से करीब 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको चारों साइड से कटिंग कर लेंगे। तकिए का देखिए फ्रंट पार्ट हमने दोनों तकिए के लिए कट कर लिया है। अब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी चादर के साइड से बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम कुछ ऐसे रखेंगे और इसी की बिल्कुल लंबाई में रखते हुए इसको भी हम कट कर लेंगे। ये वाला पार्ट देखिए हमने कट कर लिया है। यहाँ वाला पार्ट के लिए हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो जिस कलर की हमने फ्रिल लगाई है हम वही कपड़ा इसके बैक पार्ट के लिए यहाँ पर लगाने के लिए यूज कर लेंगे। अगर आपके पास सेम कलर का कपड़ा है तो आप सेम कलर का कपड़ा लगाइए। कपड़े को हम देखिए मिलाकर इस तरह से बिछा लेंगे और ये जो हमने कट किया है इसके ऊपर हम कुछ ऐसे रखेंगे इसे, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट किया है इसको भी आपको ऐसे रखना है मिलाते हुए। ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम तकिया से बाहर करते हुए रखेंगे। देखिए, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इसे ऐसे निकालते हुए रखिए। इस वाले पार्ट को आपको कपड़े के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाते हुए रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन जाएगा। और एज इट इज आप हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, दोनों तकियों के लिए हमने कवर की कटिंग कर ली है और इसके लिए हमने देखिए फ्रिल की कटिंग भी कर ली है। ये बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए हमने केवल कट किया है और इसकी चौड़ाई देखिए करीब हमने 3 इंच रखी है। तो ये स्टिचिंग के बाद हमारी बिल्कुल ढाई तकिया कवर की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने बैक वाले पार्ट्स की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं, पहले हम इसको एक बार फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस वाले साइड को भी एक बार फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से ओवरलैप यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पर हम बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट देखिए हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है और यहाँ पर हमने बड़े टाके की सिलाई लगाई है, इसको हम बाद में खोल देंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसे रेडी हुआ है। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को बनाएंगे। तो देखिए, इसके ऊपर हम ये फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल को भी आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है जैसे कि हमने चादर में लगाया था। छोटी छोटी सी यहाँ पर आपको प्लेट्स देते हुए पूरे में हम फ्रिल को लगा लेंगे।
ये देखिए हमने चारों साइड्स पर बिल्कुल अच्छे से फ्रिल लगा लिया है। अब इसको हम चारों साइड से बिल्कुल अंदर की तरफ करते हुए इसी तरह से रख लेंगे। और ये जो हमने इसका बैक वाला पार्ट बिल्कुल तैयार किया था हम वो ले लेंगे। और इसके ऊपर देखिए आपको बैक पार्ट को कुछ ऐसे रखना है बिल्कुल अच्छे से पूरे में मिलाते हुए। और अब यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे इसके चारों साइड्स पर। ये देखिए इसको चारों साइड से हमने बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने बड़े टाके की सिलाई लगाई थी उसको हम पूरे को खोल देंगे। तो देखिए इसको हमने सीधा कर लिया है और कुछ इस तरह से हमारी ये तकिया कवर बनकर रेडी हुई है। अब ऐसे ही हम अपनी सेकेंड वाली तकिया कवर को बनाकर बिल्कुल रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी दोनों पिल्लो कवर्स विद बेडशीट बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आई होगी। और देखिए इसके तीनों साइड्स पर हमने फ्रिल लगाई है। तो देखिए हमारे दोनों तकिया कवर्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये जो यहाँ पर कुशन रखा हुआ है ये भी आप घर में ईजिली बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ये हार्ट शेप का कुशन है और इसको भी हमने वेलवेट के फैब्रिक से ही बनाया है। और अगर आपको सीखना है कि हम ये कुशन कवर कैसे बना सकते हैं तो उसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इसको हमने बनाया है वेलवेट के फैब्रिक से जो कि काफी रॉयल लुक दे रहा है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आई होगी। बहुत ही इजी मीजी तरीके से हमने बनाया है इसे, जस्ट फ्रिल लगाई है पूरे में। सो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है एंड आई होप कि आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करेंगे। मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है और अगर आप इसे बनाते हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग और न्यू वीडियो के साथ। मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।